नमस्कार एंड सत श्रीकाल फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओटोप्लास्टी के बारे में। मैं हूं डॉक्टर सुखबीर सिंह, प्राचीन कॉस्मेटिक सर्जन, नई दिल्ली। ओटोप्लास्टी जो प्रोसीजर है वो होता है प्रोमिनेंट ईयर या बैड ईयर करेक्शन के लिए। अब पहले समझते हैं कि हमारा नॉर्मल कान कैसे होता है और ये बैड ईयर या प्रोमिनेंट ईयर ये क्या नए वर्ड डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो कान नॉर्मली सिर से प्रोजेक्टेड होता है वो 10 से 12 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो कान है वो एक एंगल पे होता है जो बहुत नेचुरल लगता है। अगर ये एंगल बहुत बढ़ जाए या इसमें कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम बैड ईयर या प्रोमिनेंट ईयर डिफॉर्मिटी बोलते हैं। इसका मतलब कान ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बाहर की तरफ आ गए और वो बिल्कुल बैट के विंग्स की तरह या बैट की ईयर के फॉर्मेट में आ जाता है। सो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो एंगल बड़ा होता है, दूसरा उसमें जो हमारा कर्व होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो एक एंटी हेलिकल फोल्ड है, तो थोड़ी टेक्निकल टर्म है बट वो भी क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। कान में हमारे यहाँ फोल्ड होते हैं बहुत अंदर, अगर आप कान में देखें तो वो सारे फोल्ड भी थोड़े कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं। नाउ एज अ प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन हमारा काम है कि जब भी हम ये सर्जरी करें तो एक 99-100% नेचुरल रिजल्ट लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी है, मतलब ये जन्म से प्रॉब्लम है। तो हम नॉर्मली सबसे जो लोग सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका इलाज कब कराना चाहिए, जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है। आइडली जो हमारे कान की ग्रोथ है वो आज से 10 साल के बीच में 70-90% हो जाती है। तो आइडियल एज हम कान की सर्जरी का एडवाइस करते हैं कि अगर किसी को जल्दी करानी है तो 10 ईयर्स आइडियल टाइम है। अगर हमें लगता है कि एडिक्वेट साइज है तो हम 10 ईयर्स में हम कहते हैं पेरेंट्स को कि आप अपनी सर्जरी, बच्चों की सर्जरी करा सकते हैं। क्योंकि अंडरस्टैंड कीजिए कि बच्चों में एक तो कार्टिलेज को मोल्ड करना बहुत ईजी होता है, हीलिंग फास्टर होती है, और क्योंकि बच्चा स्कूल में है तो उसको बाद की चीज़ें याद नहीं रहती। इसका मतलब ये है कि जब वो अडल्ट हो जाएगा, 12th में आएगा, कॉलेज जाना शुरू करेगा, उसको याद भी नहीं रहेगा कि उसने कभी सर्जरी कराई भी थी, और उसकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है एंड रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट 99-100%। जितना आप डिले कराएंगे तो ऑब्वियसली कार्टिलेजेस थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, उनको मोल्ड करना कई बार मुश्किल रहता है। अगर हम मोल्ड कर भी दें तो कई बार क्या होता है, कार्टिलेजेस की अपनी मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब है उनकी याददाश्त रहती है, तो रिकॉइल होने के चांसेस, मतलब जो डिफॉर्मिटी है उसको थोड़ा वॉक्सी होने के चांसेस रहते हैं, तो ट्यून ऑफ 5-7%। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिफॉर्मिटी वापस ना हो, अच्छे रिजल्ट रहें, लॉन्ग स्टैंडिंग रहें, परमानेंट रिजल्ट रहें, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि बच्चों का अराउंड 10-11 ईयर्स में आप ये सर्जरी करा लें। जो लोग ये मिस कर जाते हैं ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा अडल्टहुड में आते हैं, तो उसका भी इलाज होता है, इलाज वही रहता है ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि इसका जो इलाज है वो कैसे होता है। सर्जरी होती है ऑब्वियसली डे के सर्जरी होती है और पूरा बेहोश करके करते हैं, क्योंकि हमें कार्टिलेजेस को बिल्कुल रिलैक्स करना है, तभी हम उसको एक अच्छा कंटूर दे सकते हैं। वो हम एंगल जो एक्स्ट्रा बाहर निकला है उसको, एंगल को रिस्टोर करते हैं, जो एंटी हेलिकल फोल्ड और जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं हम धीरे धीरे उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझा नहीं सकता, बट अल्टीमेटली आइडिया हमारा ये होता है कि जितना नॉर्मल ईयर है उसकी हमें रेस्टोरेशन करना बहुत ज़रूरी है, एंड हम 95-99% रिस्टोर कर लेते हैं। और जितना जल्दी हम इसका ऑपरेशन करेंगे, चांसेस ओटोप्लास्टी का सक्सेस रेट उतना ही हायर होता है। तो ये बहुत ही इजीली करेक्टेबल प्रॉब्लम है, तो इसको आप घबराइए मत, डिफॉर्मिटी मत समझिए, ज़्यादा परेशान ना होएं। कोई दिक्कत हो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको उसका सही उपाय और सजेशन देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमें सजेशन दीजिएगा और कमेंट्स। थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्कार।